नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परनय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। लखनऊ में अपराधियों ने पान मसाले के व्यवसायी के प्रतिष्ठान में घुसकर मारी गोली। यह घटना दिन दहाड़े घटी। गोली लगने से व्यवसायी के नौकर 45 वर्षीय सुभाष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुराने लखनऊ चौक थाना क्षेत्र में घटी घटना से क्षेत्र में फैल गई सनसनी। अपराधी घटना को अंजाम देने के पश्चात नोटों से भरा बैग लूट कर चलते बने। सभी लुटेरे सीसीटीवी में हो गए हैं कैद। आप देखें लखनऊ ब्यूरो राकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, आज क्या मामला हुआ है? जो गोली कांड हुआ है, क्या मामला है? सुनील कुमार हमारे यहाँ फरम है। यहाँ पर ये लोग दुकान में हमारे यहाँ अक्सर प्रेस पर तुम लोग बैंक का काम करते हैं, तो वहीं पर वो बैठे हुए थे मालिकान। उनके मुताबिक चार नकाबपोश आए हैं जो हेलमेट और मुंह में रुमाल भी बांधे थे, और अंदर जा करके उन्होंने जो नौकर उनका जो भी हिसाब किताब कर रहा था उसके पास से जो भी अमाउंट था वो भी मालूम नहीं है उनको, क्योंकि वो नौकर की डेथ हो गई, शायद हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से लेके जब बाहर निकले तो नौकर उनके पीछे पीछे आया, उन्होंने उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दी। उसके बाद हमारे व्यापारी उसको ट्रामा सेंटर ले गए, जैसा कि जानकारी हो रही है अनकॉन्शियस है, आइदर ही इज डेड और आई डोंट नो। लेकिन ये बड़ी घटना है दिन दहाड़े शहर में। सूचना पर कितनी देर बाद पुलिस आई है और अभी तक क्या मामला हुआ? किसी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? हमारे महामंत्री जी नीरज गुप्ता जी तत्काल मौके पर आ गए थे। 1:30 बजे के आसपास की घटना है और 5 मिनट के अंदर इन्होंने पुलिस को यहाँ पर अलर्ट करा दिया। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई? अभी तक गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं, अभी तो पूरे अधिकारी समझ रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो क्या लगता है इस घटना को अंजाम कौन दे सकता है? बदमाशी देंगे और कौन देगा? थैंक यू। सीधी सी बात है, बदमाशों का हौसला बुलंद है, उनका हौसला खत्म करने के लिए। भैया 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 फोटो तो ज्यादा नहीं। भाई साहब मीडिया से, मीडिया से हमने बहुत ही गंभीरता से इस घटना को लिया है। सरकार ने जांच के भी निर्देश दिए हैं, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाए, पुलिस कमिश्नर से कहा गया है। और हम बिल्कुल बक्सेंगे नहीं। इस तरह की घटनाओं को जो लोग अंजाम देने की सोच रहे हैं उनकी पुश्ते भी सोचेंगे इस तरीके की दोबारा घटना करने में। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं और हम पूरी तरह से व्यापारी समाज के साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और हम बक्सेंगे नहीं। जिसके हत्या हुई उसके परिवार के लिए, उनकी जिसकी इस घटना में हत्या हुई है, हम पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हम जो भी करेंगे वो कम है। हम उनके परिवार के बच्चों के साथ, उनके आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ जो भी उनकी डिमांड होगी हम पूरा करेंगे। लेकिन इस घटना को सरकार ने सीधे मैंने अपने ऊपर लिया है। हमारे क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना घटी है हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है और हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जिन लोगों ने इस घटना की बारे में सोचा है वो 10 बार सोचेंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, कमिश्नरी लागू की गई थी कि कचराई निकल कर आ रही है तो क्या कितना? दरअसल ये जो घटना है हमने बहुत गंभीरता से लिया। ये मेरे ऊपर चुनौती है, हमारे घर पर चुनौती है, हमारे व्यापारी भाइयों के घर में आकर के इस तरीके की घटना जिन लोगों ने अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। हम कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाएंगे और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। कमिश्नरी लागू हुई थी, कहा गया था क्राइम की घटनाओं पे अंकुश लगेगा। पहले जिस सोच से लागू की गई थी सर, उसका रिजल्ट बिल्कुल तरह से फेल दिखाई दे रहा है। अभी आप देखेंगे जब गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, परिणाम सार्थक आपको नजर आएंगे। और इस घटना को
गंभीरता के साथ हम चुनौती मान करके। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी